आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव मसेवी रसूलपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 7 किलोमीटर है। 2600 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर तैयब हुसैन संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान तैयब हुसैन और सचिव रविंद्र सिंह के द्वारा स्कूलों का सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास हुआ है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है और 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की वाणी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के मसेवी रसूलपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ इन बीते 4 सालों में प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं और लॉकडाउन के समय में भी लोगों की किस तरह से मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जैसे कि 4.5 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, हमें ये जानकारी दीजिए क्या क्या विकास कार्य जो है आपने। ग्राम प्रधान तैयब हुसैन मसेवी रसूलपुर, हम जब 2015 में प्रधान चुने गए उसके बाद गांव में बहुत सारी दिक्कतें थीं जो कि हमने मेहनत की काम किए, जैसे कि रास्तों का काम है, गलियों का, सड़क RCC टाइल्स लगवाने का, स्कूल का काम है, स्कूल में कायाकल्प कराया है। जैसे कि हम जब प्रधान शुरू में प्रधान चुने गए तब गांव के जो जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं उसके प्रांगण में अंदर तक कूड़ा भरा हुआ था, लोग कूड़ा डालते थे, कोई बाउंड्री नहीं थी और बहुत सस्ता हालात थे, तो स्कूल की बाउंड्री कराई, उसके आसपास की सफाई कराई, नाले बनवाए, आंगन में टाइल्स लगवाई हैं और जो भी स्कूल में ODF हो गई ग्राम पंचायत शौचालय का काम वो कराया है, आवास मिले हैं लोगों को, हाँ लगभग 50 के आसपास आवाज भी आए, पेंशन वगैरह मिल रही है, पेंशन भी चालू कराई है लगभग, ऐसे मान लीजिए 15 पेंशन तो हमारी विधवा पेंशन है, विडो पेंशन, और 30 पेंशन जो है ओल्ड पेंशन चालू कराई है, जो कि एक भी ओल्ड पेंशन नहीं थी हमारे गांव में, किसी को भी नहीं थी, और पत्रकार व्यवस्था में जैसे स्ट्रीट लाइट का, सोलर लाइट का भी काम कराया है और शौचालय भी बनवाए हैं। इसके अलावा जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जी हाँ बहुत सारे काफ़ी, हाँ ज़्यादातर लोगों को किसानों के खाते में सम्मान, किसानों की सम्मान निधि भी काफ़ी ज़्यादातर लोगों को मिली है, मुश्किल से 5% लोग रह गए हैं जिनकी क्या वो रह गए हैं जिनकी कुछ पेपर वर्क में कुछ कमी रह जाती है, कहीं डॉक्यूमेंट में जो नहीं तो सब लगभग सभी को मिल रहा है जी। और जैसे हमारा राशन का मामला है, राशन में जो है लगभग 85% लोगों को जो राशन मिल रहा है, सब ज़्यादातर गरीब लोगों के सबके राशन कार्ड हैं, कुछ राशन कार्ड हमारे टाइम में बने हैं, कुछ पहले बने हुए थे, काफ़ी राशन कार्ड बनवाए। जैसे कि अभी ये कोरोना बीमारी फैली हुई है, अभी भी फैली हुई है, गरीब लोग अभी भी परेशान हैं, आपके गांव में भी ऐसे बहुत से परिवार होंगे जो राशन को लेकर आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी परेशान रहे हों, तो इसमें आपका किस तरह का योगदान रहा है उनकी मदद के लिए? हमने जो भी हमसे जिसने भी आके कहा कि हमें परेशानी है तो हमने उनकी मदद की है, पैसे से भी और वैसे भी जी। वैसे ज़्यादातर लोग जब सरकार के द्वारा राशन मिला है तो इतनी बड़ी दिक्कत आई नहीं है, ना ही ऐसा कोई जो है, साफ सफाई हमने गांव पूरे गांव की कराई है, सब नाली सारा सब सैनिटाइज करा कर, सफाई कर्मी एक है वो अपना काम डेली करता है, सही से करा। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ जैसे बारात घर, पंचायत घर, हमारे यहाँ बारात घर पंचायत घर कोई नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान भी कोई नहीं, शमशान घाट है, कब्रिस्तान की बने हुए बाउंड्री वॉल है, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है, अभी शमशान घाट की नहीं है, अस्पताल, हाँ स्वास्थ्य केंद्र है दोनों का, उसमें डॉक्टर बैठते हैं, उसमें जो NM है हमारी वो बैठती हैं डेली, नहीं वो हफ्ते का है उनका, हफ्ते में एक दिन बैठती, दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, हाँ दवा
सब होता है दवाई में। मतलब यहाँ मरीजों को कोई परेशानी इस तरह की सामने नहीं आती है, कोई दिक्कत हो तो वहाँ जाकर वो कर सकते हैं। वो आंगनबाड़ी है, आशाएं हैं वो। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मैम तो यही है कि हमारा जो आगे यही रहेगा कि जैसे गांव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टंकी वगैरह ओवरहेड टंकी, हाँ ओवरहेड टंकी, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी आगे के लिए। और जैसे हमारे तालाब हैं तो उनकी सौंदर्यकरण के लिए, मतलब अगर धनराशि जो है आपको थोड़ी और मिले ज़्यादा तो आप इनका सौंदर्यकरण करवा सकते हैं। क्या अभी यहाँ ऐसे परिवार एक सामूहिक, एक ऐसा मान लीजिए सामूहिक जो केंद्र होता है जैसे कि पंचायत, पंचायत भवन है या शादी घर है, उसके लिए भी हमारा मतलब यह है कि अगर कोई राशि प्राप्त हो तो वो भी बनवाया जा सकता है। तो बहुत सारे काम है गांव में अभी करने के लिए, काफ़ी काम है। कितने परिवार रहेंगे आप ऐसे होंगे जिन्हें आवास की जरूरत है, मतलब बहुत ही कच्चे आवास के जो परिवार हैं लगभग ऐसा मान लीजिए कि 70-80 परिवार ऐसे हैं जो कि अभी उन्हें जो आवास की सुविधा ना मिल रही है, मिलने चाहिए उन्हें, बनने चाहिए आवास आने के लिए। बाकी जो थे उनके लिए बनवा दिया गया है, 50,000 आवास बन चुके हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, बीते 4 सालों में काफ़ी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सड़क निर्माण, सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी लगभग 50 यहाँ बन चुके हैं, शौचालय से गांव ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण का काम इसी कार्यकाल में करवाया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते भी गरीबों की काफ़ी हद तक राशन और आर्थिक मदद भी यहाँ मिली है लोगों को। साथ ही अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि जो यहाँ पर बारात घर, पंचायत घर अभी तक निर्मित नहीं है, उसके लिए ये मांग रखते हैं। यहाँ जो प्रमुख मांग प्रधान जी द्वारा रखी गई है वो ओवरहैंग टैंक को लेकर है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ 70-80 परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ नाजरीन टू रेड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम खान। कहाँ के निवासी हो? यहीं के गाँव के। कौन सा गाँव है? मसेरी रसूल। यहाँ विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहोगे? नहीं, पिछले प्रधानों के मुकाबले हमारे इस टाइम जो मौजूदा प्रधान हैं उन्होंने काफ़ी विकास यहाँ पर कराया है। जो स्कूल हैं, स्कूल के अंदर जो आज तक ऐसा कोई प्रधान नहीं बना मसीबी के अंदर जो इस हमारे स्कूल की समस्या दूर करा सके, इन प्रधान जी ने जो है बहुत सारी समस्या स्कूल की दूर कराई है, बच्चे आराम से पढ़ते हैं। संतुष्ट हो आप इनके विकास कार्यों को? और सीसी टाइल्स है, पूरे गांव के अंदर रोड बनवाया है, बहुत काफ़ी विकास है। जी क्या नाम आपका? सुखाना परवीन। आप यहाँ किस पद पर कार्य रहते हैं? मैं यहाँ इंचार्ज हूँ कंपोजिट विद्यालय की। अच्छा, यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? ये देखिए पीछे टंकी लगवाई है, अब नल के लगवाए हैं, बच्चों की यूरिनल लगवाई, लड़कों की लड़कियों की प्राइमरी में भी जूनियर में भी, यही सारा काम करवाया है। जब समय होता तो प्रधान जी टाइम देते हैं स्कूल के लिए, जो जरूरत होती है जी बिल्कुल आ जाते हैं, जब भी बुलाते हैं फौरन आ जाते हैं। अभी मैंने बुलाया था तो उनकी कमर में दर्द है, इसलिए ले आए ये दिखाने के लिए, गांव के लोग सब तोड़ गए।